हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जावड़ा दीपिका एज एथलेटिक कोच गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट पीछे वखारिया स्कूल कॉलोन किंडर स्पोर्ट्स SHG। टुडे टॉपिक इज हाई जंप रूल्स मेजरमेंट एंड बिगनर ड्रिल्स। हाई जंप एक वर्टिकल जंप है और उसका रनवे जो होता है 15 से 16 मीटर का रहता है और उधर दो पोस्ट लगाया जाता है तो उसका बिटवीन डिस्टेंस होता है 4.04 मीटर का रहता है। उस पर बार लगाई रहती है तो बार का जो वेट होता है 2 kg का होता है और वो फाइबर की बनी रहती है या किसी और मटेरियल की भी बनी रहती है लेकिन मेटल की नहीं रहती है। ओके, और मेट तो लैंडिंग एरिया में मतलब लैंड कर रहे हैं वहाँ पर मेट रखी जाती है तो उसका जो लेंथ होती है वो 5 मीटर की रहती है और विड्थ होती है 1-3 मीटर की और उसकी हाइट 1 मीटर की रहती है। ओके, और हाई जंप में टाइप्स होती है, टेक्निक टाइप्स, ठीक है। तो सीजर होती है, फिर सटल सो रहती है, फिर स्टंट रोल, वेस्टर्न रोल और सबसे ज़्यादा अभी लोग कर रहे हैं वो फर्स्ट वाली फ्लॉप, ठीक है। तो वो है 1968 का जो प्लेयर था तो समर ओलंपिक में तो बिग फर्स्ट तरीके से ये नाम रखा गया है। ओके, अभी हाई जंप में 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं और प्लेयर को और 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। ओके, और हाई जंप में अपना बॉडी जो जंप करने के बाद वो बार पे टच होता है और बार नीचे पड़ गिर जाता है तो उसको फाउल बोलते हैं। और 3 अटेम्प्ट के बाद भी वो तीन अटेम्प्ट फाउल को करता है तो उसको गेम से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो दो प्लेयर के बीच में टाई होती है तो वो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले कि लास्ट हाइट पे किसने क्लियरनेस सबसे पहले किया है वो, और उसमें भी टाई होती है तो सबसे कम फाउल किसके है उसका, ठीक है। और उसमें भी जो दोनों का सेम होता है तो फिर थर्ड में ये है कि जंप ऑफ, ठीक है, उससे हमें टाई सॉल्व होती है। और अभी हम आपको बताने वाले हैं कि रनवे की जो टेक्निक होती है ड्रिल्स है, ठीक है, तो वह थोड़ी सी ड्रिल्स करके आपको दिखाएंगे। अभी हम आपको सबसे पहले बताने वाले हैं एंकर रूल, ठीक है। तो उसमें हमें फुट पर पहले ऐसे करना है, खड़े रहना है और नी बेंड करना है और टो पे आना है, फिर दूसरा लेग ऐसे हमें करना है, धीरे धीरे आगे की तरफ आना है, ये एंकर रूल। सेम अभी हमें थोड़ा सा कर्व में करेंगे क्योंकि वहां पर रनवे एकदम कर्व में करना रहता है। रिलैक्स, उसके बाद की जो ड्रिल्स हम आपको बताएंगे कर्व में ही करेंगे। सीजर, स्ट्रेट लेग ऐसे, है हम बताएंगे आपको वो भी हम कर्व में ही आपको, एक सर्कल होता है, सर्कल है तो उसमें सर्कल में ही बताएंगे कि नी अप करना है, ठीक है। और फिर हमें हील, हील है हमें बट पे टच करना है ऐसे, से वो हमें थोड़ा सा वॉकिंग में करेंगे फिर हम कर्व में रनिंग के साथ।
थाई नी की तरह करना है और लेग को थोड़ा सा ओपन करना है। ओके, तो ये एक्सरसाइज हम अपने रनवे के लिए करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा रनवे के जो स्टेप होते हैं वो हम मार्क भी अच्छे से कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच।